नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान प्रदर्शन के दौरान 22 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में जख्मी हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, उनके परिजन आज किसान विरोध में अपना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, ऐसे में काफी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे किसानों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा किसानों के ऊपर, और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया गया था। ऐसे में इस हमले के दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये साफ कह दिया है कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले और सख्ताई के साथ उनका मुकाबला यहाँ पर करे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर 22 एफआईआर फिलहाल अभी दर्ज कर ली गई हैं और प्रदर्शनकारियों की पहचान यहां पर की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर यहां पर लोगों की पहचान हो रही है, जो प्रदर्शन में मौजूद थे और पुलिस कर्मियों पर उन्होंने हमला किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।